हम खेल रहे थे एशिया कप और हम पहुंच चुके हैं एशिया कप के फाइनल में, और मुकाबला हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन एशिया कप के फाइनल, और हम टॉस जीत चुके हैं और टॉस जीत के हम करेंगे पहले बॉलिंग। पाकिस्तान को हमने कहा है पहले बल्लेबाजी करें और होपफुली हम उनको 100 रन के अंदर रोक सके। तो ये है हमारी टीम, देख सकते हैं आप, जैसे कि रोहित शर्मा, शिखर धवन ओपनर्स, और पहला ओवर हम देंगे जसप्रीत बुमराह को। ये इंजर्ड प्लेयर्स को भी मैंने टीम में ले लिया है, जैसे ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, इंजर्ड प्लेयर्स भी टीम में है। तो चलो, दोनों टीम्स और अंपायर्स मैदान में उतर चुके हैं। फ़कर जमान और शान मसूद आए बल्लेबाजी के लिए, पता नहीं क्यों बाबर आजम और रिजवान नहीं आए। चलो देखते हैं, फील्ड में पहले बदलाव कर लेते हैं। थर्ड मैन को हमने पीछे भेज दिया क्योंकि हमने प्लान किया है हम डालेंगे बाउंसर, देखते हैं क्या होता है। बाउंसर डालेंगे हम फ़कर जमान को, पहली गेंद अच्छा बाउंसर और मात्र एक सिंगल मिलेगा। बहुत अच्छी शुरुआत भारत की तरफ से, पहली गेंद पे अच्छा बाउंसर लगाया और मिला मात्र एक सिंगल, बट अब हम बाउंसर नहीं डाल सकते इस ओवर में। अगली 5 गेंदें हमको आगे ही डालनी होगी, हम बाउंसर नहीं डाल सकते। ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है पहली बॉल पर अगर आप बाउंसर डाल दे तो। लेग कटर डालेंगे हम शान मसूद को, देखते हैं क्या होता है। लेग कटर बॉल, चलो एक सिंगल ही मिला। पहली 2 गेंदें बहुत अच्छी भारत की तरफ से, मात्र 2 सिंगल आए। हम उम्मीद यही है कि 100 के अंदर हम रोक पाए क्योंकि फाइनल्स है, और हम गेम ही खेल ले फिर भी प्रेशर आ जाता है मेरे ऊपर, ये मेरा ख़राब बात है, मैं प्रेशर ले लेता है गेम में भी। पहले ये वाओ क्या शॉट है, ये शॉट देखो आप, गजब का शॉट है ना, बैक फुट में गए ना फ्रंट फुट में, बीच से खड़े खड़े सिर्फ हल्का सा पैर हटाया और मिड विकेट के ऊपर मारा है शॉट। आखिरी बॉल है ओवर की, हम डालेंगे यॉर्कर, बीच में आए 2 सिंगल, 8 रन आए अब तक इस ओवर में, इन सिंगिंग यॉर्कर और बाहर। क्या शॉट है रे बाबा, 6 रन। फ़कर जमान भाई, मानता हूँ बुमराह इंजरी से आए हैं, बट ऐसे कौन मारता है यार। शमी डालेंगे हमारा दूसरा ओवर, पहली गेंद पे आया है मात्र एक सिंगल फ़कर जमान के सामने मोहम्मद शमी। ओ चलो बच गए, मुझे लगा बैठे, ये भी गया छक्के के लिए, बच गए कि मात्र एक सिंगल ही मिला इस गेंद पर। चलो बहुत ख़तरनाक बल्लेबाजी कर रहे, जल्दी से जल्दी इनको आउट करना होगा। पहला बॉल बाउंसर डाला था हमने, एक ही रन मिला था, तो फिर हम लोग बाउंसर डालेंगे इनको, क्या होता है। बाउंसर डाला, अरे अब नो वर्ड्स, ये क्या शॉट है भाई, क्या शॉट है। थर्ड मैन के ऊपर से सिर्फ बल्ला लगाया और उस तरफ बॉल गया, पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में, वाह क्या शॉट है ये। एक बार फिर छोटी बॉल डालेंगे, बाउंसर ना हो जाए पूरा, वरना नो बॉल हो जाएगा, देखते हैं। अरे चलो बच गए, पूरा बाउंसर नहीं हुआ, सर तक नहीं पहुंचा जो देख के लगा है, एक ही रन। अरे बाप रे बाप, वही डर था, नो बॉल ना देते, देख के लगा नहीं कि नो बॉल था, सर के नीचे ही लगा मुझे, बट अंपायर डिसीजन नो बॉल। फ्री डे, बस छक्का चौका ना लग जाए, बच जाए, शान मसूद है तो बच सकते हैं, फ़कर जमान होता तो नहीं बचते। चलो अरे चल गया, नहीं बच गए, पता था अगर फ़कर जमान होता तो ये गेंद तो छक्का ही मारना था, वो तो अलग ही खेल रहे हैं। जडेजा 4 गेंदों डाली है, 3 ही रन दिए अब तक, और ये 4 रन, क्या शॉट है भाई, क्या शॉट है ये। सिर्फ बल्ला लगाया हल्का सा, नज़ाकत के साथ पॉइंट की तरफ खेला, हुआ गजब का शॉट। कुलदीप यादव डालेंगे अब बॉल, 3 ओवर पावर प्ले समाप्त हो चुका है, 3 ही ओवर का होता है, 36 रन बने हैं पावर प्ले में। अब हम लोग 5 फील्डर पीछे रख सकते हैं, तो हम रख लेंगे पहले कुलदीप यादव, ड्रिफ्ट कराएंगे हम लोग पहले बॉल को। चलिए फ़कर जमान के सामने शॉट, एक ही रन, बस ऐसे अगर मिडिल ओवर्स में सिंगल निकल जाए, ज़्यादा रन ना जाए, तो हम लोग 100 के अंदर इनको रोक सकते हैं। पावर प्ले इनका बहुत अच्छा चल गया, कुलदीप यादव को गजब का ओवर था। हार्दिक पांड्या पहले 2 गेंदों पे 2 ही रन दिया, ओहो बच गए फ़कर जमान, क्या बॉलिंग की है मैंने पिछले ओवर में, और यहाँ पे एक और बॉल, एक बार फिर प्ले एंड मिस, गजब का ओवर यह हार्दिक पांड्या का, मात्र 4 रन। जाडेजा 5 गेंदों पे 5 सिंगल ही दिए इस ओवर में, छठी गेंद बाहरी किनारा, फील्डर से दूर, फील्डर पीछे लगाया हुआ है हमने, अगर आगे होता तो ये गेंद जानी थी सीधा हाथों में।
और ये मोहम्मद शमी की बहुत अच्छी बॉल, मात्र एक सिंगल। बीच के ओवर से आप सोच रहे हो क्या हुआ, तो वहाँ बिल्कुल सिर्फ सिंगल सिंगल ही आ रहा था, इसी वजह से उसे कट करना पड़ा गाइस, क्योंकि वो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो मोहम्मद शमी 3 गेंदों पे 2 ही रन दिया है अब तक। ओह बहुत अच्छा बॉलिंग, इनके 3 ओवर में 36 थे, अब 9वां ओवर ख़त्म होने लगा 67 रन बने, क्या बात है। आखिरी बॉल सिंगल डबल सिंगल डबल, अरे शॉर्ट शॉर्ट फील्डर, अरे 4 रन। कोई बात नहीं गाइस, अभी भी हम लोग बहुत अच्छा बॉलिंग किए हैं, पहले 3 में 36 थे, अब 9 ओवर के बाद 61 रन ही है, माफ़ कीजिएगा 71 रन, 9.1 ओवर 72 रन बने। जसप्रीत बुमराह यॉर्कर डालेंगे हम, अरे अरे क्या शॉट है भाई, बैक फुट से जाके यॉर्कर को डाउन द ग्राउंड छक्का मार दिया है, अर्धशतक भी पूरा किया फ़खर जमान ने अपना। ये शॉट एक बार तो देखना बनता है गाइस, क्या शॉट है ये यॉर्कर, अरे कितना अच्छा एंगल दिया है, वाव कितना अच्छा एंगल दिया है। बाउंसर डालेंगे इनको, बाउंसर में अब तक इन्होंने छक्का चौका लगाया नहीं है, तो हम बाउंसर ट्राई करेंगे, शॉट डॉट बॉल, पता था बाउंसर नहीं लग रहा है इनसे, अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा है पाकिस्तान का, ये आखिरी ओवर चल रहा है। और शान मसूद तो बिल्कुल इंडिया की तरफ से खेल रहा है, 28 गेंदों पर 27 रन बनाकर, शॉट अरे चलो आउट, जैसे बोला वो इंडिया की तरफ से खेल रहा है, बोल रहा है अब मैंने खेल लिया इंडिया की तरफ से, 1 गेंद बाकी है अब मैं आउट हो जाता हूँ। 29 गेंदों पर 27 रन बनाया है गाइस शान मसूद ने, देखो वाओ, इंडिया के तरफ से बहुत अच्छी पारी खेल कर गए हैं। बाबर आजम आए मुँह ताकने, क्योंकि एक बॉल बचा है वो फ़खर जमान खेल लेंगे। आखिरी बॉल क्या डालेंगे क्या, अरे 4 रन, महंगा ओवर रहा गाइस ये, 12 रन आए इस ओवर से, पर हमने बहुत अच्छे तरह से पाकिस्तान को संभाला है बॉलिंग करते हुए, मात्र 83 रन, 83 पे रोक दिया, जहाँ पहले 3 ओवर में ही 36 बन गए थे। अब उतरेंगे हमारे बेस्ट ओपनर्स रोहित शर्मा एंड शिखर धवन, द बेस्ट ओपनिंग जोड़ी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, में उनमें से कुछ एक। द पहला ओवर शाहीन आफरीदी सामने रोहित शर्मा, लेफ्ट आर्म पेसर के सामने, ट्राई करेंगे हम लोग कि यही दोनों मैच ख़त्म कर दे, विराट ऋषभ पंत सबका मौका ही ना आए। चलो पहली बॉल शाहीन आफरीदी के सामने, रोहित शर्मा पुश किया, सिंगल मिलेगा, अरे वाह, लेजेंडरी पाकिस्तान टीम की फील्डिंग देख लो आप, ये तो गेम में भी नहीं बदला, गेम में भी उनको ही पता है कि पाकिस्तान की फील्डिंग कैसी है। पहली गेंद पे ओवर थ्रो, ये पैर की तरफ से आउट स्विंग करा रहे हैं, हल्का सा मिड विकेट की तरफ खेला है, 4 रन, वो उम्मीद नहीं थी मुझे, मुझे नहीं लगा ये चौका मिलेगा, सिंगल के लिए खेला था, चौका मिल गया, वाओ, रिप्ले देखना बनता है, क्या शॉट, हल्का सा फ्लिक किया बस और चौका मिला मिड विकेट की तरफ। वो टाइमिंग देखो गाइस, अरे जो फील्डर को भागना था वो हाथ दिखा रहा है, जिसको नहीं भागना था वो भाग रहा है, वाओ क्या बात है पाकिस्तान की फील्डिंग। शिखर धवन उतर, शिखर धवन स्ट्राइक पे, चलो देखते क्या होगा। शिखर धवन सामने शाहीन अफरीदी, छक्का मारते उड़ के, चलो मारा, अरे रे रे रे, सॉरी 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 गाइस, अगर कोई शिखर धवन का फ़ैन है सॉरी, रियली सॉरी, पहली बॉल पे आउट ये क्या हो गया, ओपनिंग जोड़ी की इतनी तारीफ कर दी, वो जल्दी ही टूट गया, मेरी गलती से टूटा है, ख़राब शॉट, बहुत 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 ख़राब शॉट मारा है। चलो अब इन दोनों के, दोनों को ही ख़त्म करना है ये मुकाबला, रोहित शर्मा विराट कोहली द बेस्ट टू बेस्ट बैट्समैन, और बोल भाई क्या हो रहा, क्या हुआ, पैर के पीछे तो चला गया, ऋषभ पंत को उतारते हैं, लेफ्टी होगा एक अच्छा होगा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, पर 2 विकेट इतना जल्दी गिर गया, हो हो हो, 2 विकेट इतना जल्दी, अब तो छक्का मारने से पहले भी सोचना होगा, क्योंकि 7 रन पे 2 विकेट फाइनल्स में, सिंगल लिया है हल्के हाथों से खेल के, 8 रन पे 2 विकेट भारत पहले ओवर के बाद, पहली 2 गेंद भारत के नाम, उसके बाद पाकिस्तान, विराट कोहली के सामने हारिश श्रॉफ, वो छक्का यादव का डॉट बॉल,
वैसी बॉल थी, बस तो ऑफ स्टंप के बाहर बॉडी पे होती तो जैसे छक्का मारता विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में, बिल्कुल वही। ओ एक और डॉट बॉल, क्या बॉलिंग की है, चार लगातार डॉट गेंद जिसमें एक एलबी लेग बाई का सिंगल है और ये अंदरूनी किनारा और ये चौका फाइनल की तरफ जाते हुए। रन आने चाहिए जैसे भी आए, फर्क नहीं पड़ता, बस रन आने चाहिए। अंदरूनी किनारा लगा और चौका मिला ऋषभ पंत के सामने मोहम्मद वसीम, और ये रिवर्स स्वीप मारा है और चौका मिलेगा ऋषभ पंत को। 6 गेंदों पे 2 ही रन पे खेल रहे थे और ये गजब का शॉट से पहुंचे 6 रन के स्कोर पर 7 गेंदें भी खेली है। पर ये शॉट, वाओ, रिवर्स स्वीप मारा ऑफ स्टंप के बाहर जाके, ओ देखो शॉट, देखो क्या शॉट है ऋषभ पंत, मज़ा आ गया। 6 बीच में सिर्फ सिंगल सिंगल ही हमने लिया था गाइस। 40 रन पे 2 विकेट है भारत के इस समय और ये गजब का शॉट है और ये 6 रन के लिए जाता हुआ ऋषभ पंत के बल्ले से। 19 गेंदों पे 22 पे खेले थे ऋषभ पंत, इस छक्के के साथ पहुंचे 28 के स्कोर पर। बहुत अच्छा छक्का क्योंकि पिछले कुछ ओवर में रन आ नहीं रहे थे, रन रेट 10.5 का हो गया था, तो ये छक्का बहुत ज़रूरी था जो आया है ऋषभ पंत के बल्ले से। पार्ट टाइमर को दिए गेंद पाकिस्तान ने, ये ओवर को मैक्सिमाइज करेंगे ना चाहेंगे हम, कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस ओवर को, चलो देखते हैं। फाइनल की तरफ मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे और चौका पाएंगे, बहुत अच्छा शॉट। पिछले ओवर में यहाँ छक्का जड़ा था, अब यहाँ चौका जड़ा है। ऋषभ पंत ने क्या शॉट्स लगाए, वैसे लगाए तो मैंने ही है पर उनके बल्ले से आए बहुत अच्छे शॉट्स। सेकेंड बॉल, हर बॉल को मारेंगे इस ओवर का, ये डीप स्क्वायर लेग का फील्डर अंदर है, उसके ऊपर से 4 रन, क्या शॉट है ऋषभ पंत, बहुत ही अच्छा। जो फील्डर अंदर होगा उसके ऊपर से ही मारा जाएगा इस समय, और अर्धशतक की साझेदारी भी हो गई इन दोनों के बीच। ऋषभ पंत राउंड विकेट से आए, अब छोर बदला है, एक बार फिर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर जाएंगे और इस बार छक्का पाएंगे, वाह। पहली 2 गेंदों पे 2 चौके आए थे पर इस बार पाया है पूरे 6 रन और ये इंडियन डगआउट पूरी तरह से खुश होता हुआ, क्योंकि अब वो जो मैच लग रहा था भारत के यहाँ से निकलता हुआ, 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया था, अब वो कंट्रोल में आ गया। शॉट देखो ऋषभ पंत लेग साइड, गजब, मिड ऑन नहीं है जो दिख रहा है, मिड ऑन नहीं लगाया हुआ है, वहीं जाने का प्रयास करेंगे हम और ये चौका पाएंगे, गजब की बल्लेबाजी, 20 रन बना दिए 5 गेंदों पे हमने, क्या बल्लेबाजी की है, वाव। रियाली श्रॉफ 3 गेंदों पे 1 ही रन दिया है और ये शॉट है, 1 ही रन मिलेगा, 1 ही रन, ओ फिर ओवर थ्रो। गरीबी में आटा गीला वाला हिसाब है यहाँ पाकिस्तान का, ओवर थ्रो पे ओवर थ्रो मिल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, हम तो खुश है गाइस। और अर्धशतक भी हो गया है ऋषभ पंत का इस 2 रन के साथ, 4 चौके और 2 छक्के। हारिस रौफ कदमों का इस्तेमाल और क्या शॉट है, वाओ, हारिस रौफ इतनी गति से डाल रहे हैं उनको, ऐसे कदमों का इस्तेमाल करके क्या शॉट मारा है ऋषभ पंत ने, मज़े ही आ गया। रिप्ले देखना तो बनता है इस शॉट का, क्या गजब का शॉट मारा है ऋषभ पंत ने, देखते हैं रिप्ले में। कदमों का इस्तेमाल किया और ये गजब का शॉट है, विराट कोहली के सामने शाहिन अफरीदी फिर और ये चौका, विराट कोहली ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान, कैसे ना चले पाकिस्तान के खिलाफ। 18 गेंदों पे 16 पे खेले थे पर इस चौके के साथ पहुंचे 20 रन के स्कोर पर। गेंद पे चौका आ गया, अब छक्के के ले जाए दूसरी बॉल और मिस किया, ओह बच गए, चलो नहीं लगा फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम लोग आउट होने से बच गए, ये बड़ी बात है। आखिरी बॉल होना चाहिए इस मैच का ये, क्योंकि इसी बॉल पर ट्राई करेंगे मैच ख़त्म हो जाए, मारेंगे और भागेंगे, चलो मारा है भाग जाओ, छक्का चौका मिले ना मिले भाग के ले लो, क्योंकि फिटनेस तो विराट कोहली की अनबिलीवेबल है। और सिंगल के साथ भारत ने जीत लिया है एशिया कप, 8 विकेटों से इस मुकाबले को भी जीता और एशिया कप भी जीत लिया है। प्लेयर 1/8 विकेट विराट कोहली, ऋषभ पंत क्या पारी खेली है ऋषभ पंत ने, विराट कोहली ने बहुत अच्छा साथ निभाया और बॉलर्स ने तो क्या कमाल की बॉलिंग की है, मात्र 83 के स्कोर पर रोक दिया था पाकिस्तान को। मैन ऑफ द मैच बने हैं ऋषभ पंत, अर्धशतक लगाया और ये उठा लिया भारत ने एशिया कप की ट्रॉफी। उम्मीद करेंगे यही विजुअल हमें देखने को मिले इस साल के एशिया कप में भी, भारत ट्रॉफी उठाए, रोहित शर्मा ट्रॉफी उठाए और पूरा भारत नाचे और फिर यही पीट हो वर्ल्ड कप में भी।